हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि जो आपके पास कोलाइट्स होते हैं उन्हें हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्या क्या वहां पर कंडीशन बनती है कोलाइट प्रिपरेशन के लिए, तो ये आपने देखा था। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि जो आपके पास कोलाइट्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से करते हैं। जैसा कि आपके पास एक तो होता है फिजिकल स्टेट, यानी कि डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम का फिजिकल स्टेट क्या है, उसके बेसिस पे आपके पास एक टाइप के कोलाइडल सिस्टम निकल कर आते हैं, जहां पर आपके पास गैस इन गैस वाला कोई भी हमारा कोलाइडल सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि वहां पर जो सिस्टम बनता है होमोजीनियस नेचर का होता है और कोलाइडली बेसिकली क्या होता है, हेट्रोजीनियस नेचर का होता है। तो इसलिए गैस इन गैस वाला कोई भी हमारे पास कोलाइडल नहीं होता है। दूसरा जो हमारे पास तरीका है, इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, यानी कि जब आप कोलाइडल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पर जो आपके पास डिस्पर्जन फेज है और डिस्पर्जन मीडियम है उनके बीच में किस टाइप का इंटरेक्शन है, तो उसके बेसिस पे आपके पास दो तरह के कोलाइड्स होते हैं, जो कि आपके पास होता है, पहला टाइप आपके पास है लायोफिलिक कोलाइड, या आप इसे सॉल्व भी बोल सकते हो, लायोफिलिक कोलाइड, और दूसरा हमारे पास है यहां पर लायोफोबिक कोलाइड, ये आपके पास हुआ, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, मतलब जो आप क्या कर रहे हो, कोलाइडल का प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों को आपने मिक्सअप किया, ठीक है। अब जब दोनों को आप मिक्सअप कर रहे हो तो उनके बीच में इंटरेक्शन किस टाइप का है, क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं आसानी से या नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी के बेसिस पे आपके पास लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड आपके पास होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो लायोफिलिक का मतलब, लायोफिलिक का जो मीनिंग होता है वो होता है लिक्विड लविंग, मतलब डिस्पर्जन मीडियम से इनका इंटरेक्शन होगा। जो आप डिस्पर्जन फेज डालोगे, जो आपका क्या होगा डिस्पर्जन फेज, जैसे आप इसे मीडियम में डालोगे, डिस्पर्जन मीडियम में ऐड करोगे, तो डायरेक्टली इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, एक अच्छा सा अट्रैक्शन बनेगा, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, लायोफिलिक। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें लायोफोबिक, तो लायोफोबिक का मतलब ये होगा कि ऐसे कोलाइडल पार्टिकल्स, यानी कि डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम की अगर हम बात करें तो वहां पर उतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं होगा। जो पार्टिकल्स होंगे डीपी और डीएम के, वो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। दैट मीन सिंपली आप कह सकते हो दीज आर लिक्विड हीटिंग, मतलब जब आप पार्टिकल डालोगे, डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल को डिस्पर्जन मीडियम में डालोगे, तो होगा क्या, इसके जो पार्टिकल हैं इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, लिक्विड हीटिंग, और इसे बोल रहे हैं लिक्विड लविंग, क्योंकि डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल आसानी से डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल से अट्रैक्ट हो जाते हैं। और यहां पर आपके पास क्या, डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल से अट्रैक्ट नहीं होते, आसानी से बना सकते हो डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम को आपस में मिक्सअप करके आप बना सकते हो। जबकि अगर हम इनकी बात करें, यानी कि लायोफोबिक की बात करें, तो इन्हें इजिली नहीं बनाया जा सकता, दे कैन नॉट फॉर्म इजिली, ठीक है, इन्हें आप आसानी से नहीं बना सकते हो क्योंकि उनके बीच में इंट्रैक्शन नहीं है। तो इसलिए यहां पर आपको एक इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ती है, एक स्टेबलाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है जो उन दोनों को जोड़ने का काम कर सके। तो यहां पर आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेबलाइजर, इन्हें स्टेबल करने के लिए स्टेबलाइजर यानी कि इलेक्ट्रोलाइट की आपको जरूरत पड़ती है। जबकि यहां पर कोई भी इस तरह का स्टेबलाइजर हमें नहीं चाहिए होता, ये वाला नहीं चाहिए होता आपको, राइट। तो आपके पास लायोफिलिक होते हैं, ये रिवर्सिबल नेचर के होते हैं, दीज आर रिवर्सिबल नेचर के होंगे, राइट। जबकि ये वाले जो आपके पास है, लायोफोबिक वाले जो आपके पास होते हैं, ये इरिवर्सिबल नेचर के होंगे। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि यहां पर देखो आपके पास दोनों के बीच में इंटरेक्शन है, जैसे आपने मिक्सअप किया, दोनों ने कोलाइडल बनाया, फिर आप उन्हें सेपरेट कर सकते हो किसी टेक्निक के थ्रू, जैसे इवोपरेशन के थ्रू आपने क्या किया, उन्हें सेपरेट कर दिया, डिस्पर्जन मीडियम अलग हो गया, फीज अलग हो गया, और फिर से आप उन्हें मिक्सअप करके कोलाइडल बना सकते हो, जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट हो। अगर आपको अलग करना है तो अलग कर सकते हो,
कोलाइडल बनाना है तो कोलाइडल बना सकते हो, लेकिन यहां पर आपके पास क्या है, इरिवर्सिबल है, मतलब एक बार बन गया तो अगर आप इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाओगे फिर से, यानी कि डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम को अलग कर दोगे, सेपरेट कर लोगे, तो फिर से अगर आप चाहोगे कि उन्हें जोड़ना है तो सिंपली आप इन दोनों को मिक्सअप करके नहीं जोड़ पाओगे। फिर उसके बाद भी आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एक स्टेबिलाईजर की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं, मतलब इन्हें हमेशा किसकी जरूरत पड़ेगी, स्टेबिलाईजर की जरूरत पड़ेगी, एक इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ेगी, राइट। और भी इनके बीच में डिफरेंस है, ठीक है। तो एक तो आप समझ गए होंगे कि लिक्विड लविंग है, सिंपली आप कह सकते हो लिक्विड लविंग या सॉल्वेंट जो आप यूज कर रहे हो, डिस्पर्जन मीडियम जो आप यूज कर रहे हो उसके तरफ इनका इंट्रैक्शन अच्छा होता है, अट्रैक्शन होता है, और जो आपके पास लाइफोबिक है इनका इंट्रैक्शन उतना अच्छा नहीं होता है। और जनरली आपको दिखेगा कि जो लायोफिलिक कोलाइडर्स है उनके लिए एक टर्म यहां पर कोलाइडिल की जगह सॉल लिखा होता है, क्या लिखा होगा, सॉल। तो सॉल का मतलब है कि जब आपके पास डिस्पर्जन फेज, जब आपके पास क्या होता है डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, ये आपका सॉलिड होता है डिस्पर्जन फेज, और इसे लिक्विड में आप ऐड कर रहे हो, किसी लिक्विड में ऐड कर रहे हो, तो जो आपका कॉम्बिनेशन बनता है कोलाइडल का उसे हम बोलते हैं सॉल, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल बोलेंगे। अब लिक्विड आपका कोई भी हो सकता है, जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर लिक्विड अगर आपके पास क्या आ गया, वाटर आ गया, तो जो आपका यहां पर सॉल होगा उसे हम बोलेंगे हाइड्रोसॉल। अगर आपका डिस्पर्जन मीडियम क्या है, वाटर है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोसॉल। हाइड्रोसॉल, सॉल का मतलब आप समझ गए, मतलब सॉलिड इन लिक्विड, डिस्पर्जन फेज का जो स्टेट है, फिजिकल स्टेट है, वो सॉलिड है और मीडियम का लिक्विड है, तो उसे हम बोलते हैं सॉल। और अगर आपके पास लिक्विड की जगह वाटर होता है तो उसे हम बोलेंगे हाइड्रोसॉल। और सिमिलर वे अगर आपके पास, पहली बात तो ये हुआ कि ये वाला कंडीशन आपके पास है कि लिक्विड आपका वाटर है, अगर आपके पास क्या होता है एल्कोहल होता है, अगर आपका मीडियम क्या हुआ एल्कोहल हुआ, या आप बोल सकते हो कि डिस्पर्जन मीडियम आपका एल्कोहल है, तो जो आपका सॉल बनेगा, यानी कि एल्कोहल में आप कोई सॉलिड ऐड कर रहे हो और कोलाइडल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं एल्कोसॉल, उसे हम क्या बोलेंगे, एल्कोसॉल। और अगर एल्कोहल की जगह आप बेंजीन या लिक्विड जो आपके पास है डिस्पर्जन मीडियम उसकी जगह अगर आप क्या लेते हो, बेंजीन लेते हो, तो उसे हम बोलेंगे बेंजोसॉल, बेंजोसॉल, राइट। तो सॉल का मतलब सॉलिड इन लिक्विड, और अगर आपके पास लिक्विड वाटर होता है तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोसॉल, अगर एल्कोहल होता है उसे हम बोलते हैं एल्कोसॉल, और अगर बेंजीन होता है तो उसे हम बोलते हैं बेंजोसॉल, राइट। तो ये तो सॉल दोनों के बीच में, एक और डिफरेंस देख लेते हैं, देखो जरा, क्योंकि ये वाले जो आपके पास है लायोफिलिक कोलाइड्स है, ये आपके पास कैसे है, लिक्विड लविंग है, मतलब ये डिस्पर्जन मीडियम के साथ जब इंटरेक्ट करेंगे, यहां पर डीपी का इंटरेक्शन होगा, तो क्योंकि ये जो सॉल्वेंट है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, आसानी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, एक एनर्जी लिबरेट होगी, यानी कि यहां पर सॉल्वेशन इफेक्ट होगा, सॉल्वेशन इफेक्ट दिखेगा आपको, ऑटोमेटिकली आपको सॉल्वेशन इफेक्ट यहां पर दिखेगा, जबकि यहां पर ऐसा नहीं है, नो सॉल्वेशन इफेक्ट, नो सॉल्वेशन इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि जो आपके पास सॉल्यूट और आप बोल सकते हो कि डिस्पर्जन फेज और मीडियम है उनके बीच में अपने आप कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर सॉल्वेशन इफेक्ट नहीं होगा, राइट। एक तो ये हुआ, और दूसरी बात, इनकी जो स्टेबिलिटी होती है लायोफिलिक कोलाइडल की जो स्टेबिलिटी होती है, दिस इज द मोर स्टेबल, मोर स्टेबल देन लायोफोबिक कोलाइड, लेस स्टेबल होंगे, लेस स्टेबल, और ये वाले मोर स्टेबल। अब ऐसा क्यों होता है, तो क्या इसके पीछे लॉजिक है, तो पहली बात, ये मोर स्टेबल क्यों है, जो आपके पास लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं मोर स्टेबल है, और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि क्यों स्टेबल है, एक तो ड्यू टू द सॉल्वेशन इफेक्ट, यहां पर क्या है आपका सॉल्वेशन इफेक्ट हमें दिखता है, और दूसरा यहां पर जो चार्ज होता है कोलाइडल पार्टिकल पर, कहीं ना कहीं से वहां पर चार्ज अराइज होता है, आगे हम देखेंगे, ठीक है, तो इन पार्टिकल पर जो चार्ज होता है वो भी उन्हें स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, राइट। और मतलब यहां पर जो इनकी स्टेबिलिटी है दैट इज ड्यू टू दीज टू फैक्टर, वन इज द सॉल्वेशन इफेक्ट एंड सेकेंड वन इज द चार्ज, यहां पर दो फैक्टर है जो इन्हें स्टेबिलाईज कर रहे हैं,
और यहां पर केवल एक ही फैक्टर है जो लायोफोबिक को स्टेबलाइज करता है, वो क्या है, चार्ज। यहां पर दो फैक्टर है तो इसीलिए ज्यादा स्टेबल होगा और ये कम स्टेबल होगा, राइट। तो इस तरह से हमने देखा कि जो लायोफिलिक कोलाइड्स है या लायोफोबिक कोलाइड है उनमें क्या डिफरेंस होता है, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन रिवर्सिबल है, और कौन लिक्विड लविंग है, कौन लिक्विड हीटिंग है, ये आपने देखा। और यही बातें इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट होती है।